आज हम इस वीडियो में नी की दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस वालों की और एक नॉक नीज वालों की। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें हमारा स्पेस कम हो जाता है, दोनों बोन्स के बीच में जो जॉइंट है उसमें स्पेस कम होना शुरू हो जाता है। अब सेकंड आता है नॉक नीज, जिसमें हमारी जो नी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। दोनों कंडीशन में पेशेंट को सोते हुए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉक नीज वाले तो पेशेंट जो मोस्टली यंग भी होते हैं और उनका सपना होता है आर्मी में जाने का, तो सारी तरह की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पर जो 7-8 घंटे उनको सोना होता है उसमें वो नीज जो है, अगर हम साइड पे सोएंगे इस तरह से रात को सोते हैं हम, तो जो नीज है पहले नॉक नीज है और 7-8 घंटे इस तरह से जुड़े रहेंगे, तो उनको बीच में चाहिए होता है एक स्पेस, ताकि जो नी है उसका लेवल और हिप का लेवल एक सीधे लेवल में रहे। इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं, उनका तो मीडियल साइड, यहाँ पे अंदर वाली साइड को मीडियल साइड बोलते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस कम होता है, और जब वो इस तरह से रात को सोते हैं घुटने जोड़ के, क्योंकि सोते हुए सारे साइड में है, तो उनके घुटने में सुबह सुबह इतनी स्टिफनेस होती है, इवन के हिप में भी स्टिफनेस होती है, क्योंकि ये एंगल देखिए, हिप से लेके जो नी है इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए, ये ऐसे रहता है, और ऊपर से इस तरह से जॉइंट टू जॉइंट जो है वो भी मोशन फ्रिक्शन शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और पेन बढ़ जाती है। तो पेन और स्टिफनेस बढ़ जाती है इस तरह से रात को सोने में, तो हमें चाहिए होता है एक स्पेस बीच में। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये एक हमारा सिंपल पिल्लो, ये नी पिल्लो इस तरह से यूज़ करना होता है हमने, मैं बताता हूँ दोनों कंडीशन में हेल्प करेगा। एक इसकी जो खासियत होती है वो इसका होता है एडजस्टेबल स्ट्रैप, आप किसी भी नी में किसी भी तरह का नी है तो एडजस्टेबल हो जाएगा, और ये जो कर्वेचर इसका देख रहे हैं ये हमारे दोनों नीज के लिए बीच में फिट बैठने के लिए होता है। तो इस तरह से हमने इसको डाल लेना है ऐसे, रात को सोते हुए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से हमने रख लेना है स्ट्रैप एडजस्ट करके। अब देखिए ये दोनों जो चीज़ है इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे ऐसे। अब देखिए इसने गैप क्रिएट कर दिया, अब हमारा हिप लेवल और नी लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गया, इससे जो हमारी बैक स्टिफनेस है या नी स्टिफनेस है वो कम होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले और नॉक नीज वाले दोनों इस तरह से ये पिल्लो को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम इसकी बजाय एक नॉर्मल पिल्लो रख लेते हैं। अब नॉर्मल पिल्लो एक तो इसकी जो हाइट है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पतले भी होते हैं, अगर आप उसको डबल भी कर लोगे तो बीच में से निकल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने टर्न लेना है रात को, तो ये जो पिल्लो है ये इस तरह से सीधा है सीधा, क्योंकि स्ट्रैप है साथ में और वो एडजस्टेबल स्ट्रैप है, तो सीधा जब हम टर्न लेंगे तो इसके साथ ही चला जाएगा। और ये जो कर्व है ये इस नी के लिए था, और इसी नी को इस तरह से ऊपर इसके लैंड इस तरह से करवा देगा। इवन के जो दूसरा पिल्लो होगा आपका वो साइड लेते लेते निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पिल्लो रात को कहाँ गया। ये जो है ये देखिए जहाँ हम घूम रहे हैं इसके साथ साथ ये आ जाएगा और इस तरह से इसको फिक्स कर देगा। तो ये नी पिल्लो जो होता है ये इसी पर्पज़ के लिए होता है, और रात को सोते हुए आपको थोड़ा सा दिन एडजस्टमेंट को लगेगा क्योंकि नई चीज़ होती है, पर आपको बाद में बेनिफिट इसका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नॉक नीज वाले और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले काफ़ी पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी नी पेन के लिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज बताई थी नी को फिट रखने के लिए, वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ हुए थे और नी पिल्लो इसके कॉम्बोज बने हुए, तो कॉम्बोज को ऑर्डर करने के लिए भी आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाके या नीचे लिखे नंबर पर जाके नी कॉम्बो जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है और लोगों को कई बार पता नहीं लगता। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, देखिए सारी रात 7-8 घंटे इस पोजीशन में सोएंगे तो गैप ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। और जिनका नॉक नीज बहुत सीवियर है या उसकी जो वजह उसका कॉज डिफरेंट है, तो अपने ऑर्थोपेडिशियन से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज और बाकी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अकेला जो 7-8 घंटे स्लीपिंग वो तो आपको एक हेल्प करेगा, आपका नॉक नीज और नहीं बढ़ने देगा, पर एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट होंगी, आपका ट्रीटमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके लिए आप डॉक्टर को अपने कंसल्ट ज़रूर करिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, उनको पता लग जाएगा किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।